मिशन गौ सेवा पर पीएम मोदी और सीएम योगी। प्लास्टिक मुक्त अभियान में कई योजनाओं को हरी झंडी। स्वच्छ मिशन से पूरे देश को फायदा हुआ। मौत के आंकड़ों में कमी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा की वेटरनरी यूनिवर्सिटी में आजादी के बाद पशुओं के सबसे बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करने पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों के टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही पीएम ने कई योजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई। इतना ही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की धरती पर कई कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। ये स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम पूरे देश को एक नई प्रेरणा देगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पीएम ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी और इस दौरान अनेक कार्यक्रम भी इस दिशा में चलाए गए। किसानों के हित में राष्ट्रीय पशु आरोग्यता मिशन को भी पीएम मोदी के मार्गदर्शन में शुरू किया गया है। स्वच्छता ही सेवा, जिसने पूरे देश को न केवल स्वस्थ रहने और स्वच्छता के माध्यम से सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान की। इस कार्यक्रम के इस वर्ष के शुभारंभ का शुरुआत आज यहाँ पर मथुरा की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करने के बाद इस देश के किसानों के लिए जो योजनाएं घोषित की, उस समय लक्ष्य निर्धारित किया था कि किसानों की आय को दोगुना करने और उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार कार्य करेगी, तो किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने के लिए जिस एक महत्वपूर्ण भूमिका को आज रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, राष्ट्रीय पशु आरोग्यता मिशन को, रोग निवारण कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन आज यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। सीएम ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं, जिन्होंने वर्ष 2014 में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया और हर गरीब परिवार को एक एक शौचालय देने का कार्य किया। मैं इस अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को जिस स्वच्छ भारत मिशन की का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर किया था, जिसने देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से लोगों के जीवन स्तर को उठाने, उनके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्वच्छ भारत मिशन ने विषाणु जनित बीमारी इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर को पूर्णतः उन्मूलन की दिशा में कैसे प्रभावी ढंग से इस स्वच्छ भारत मिशन ने सफलता प्राप्त की है। पीएम मोदी ने राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। गोरखपुर में अक्सर छोटे बच्चों के लिए मुसीबत बनने वाले इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। मैं योगी जी की सरकार की प्रशंसा करूंगा कि वो स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। ये उनकी सरकार की कोशिशों का ही परिणाम है और जिसका अभी विस्तार से ब्यौरा योगी जी ने दिया। मस्तिष्क ज्वर के कारण, उस बुखार के कारण और पार्लियामेंट का कोई ऐसा सत्र नहीं जाता था जब योगी जी जब पार्लियामेंट के मेंबर थे, इस मुद्दे पर दर्दनाक कथा सुना करके देश को जगाने की कोशिश करते थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के चलते बीमारियों से मौतों में कमी आई है। उन्होंने गोरखपुर में दिमागी बुखार से हुई मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि बीमारी से होने वाली मौतों के आंकड़ों में कमी हुई है।
मस्तिष्क ज्वर से अकेले गोरखपुर के ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में जो सर्वाधिक मौतें होती थी, उन मौतों के क्रम में अगर मैं 2016 में बताऊं तो 2016 में मस्तिष्क ज्वर से चार जनपदों में 2817 मरीज भर्ती होते हैं, 426 की मौत होती है। 2017 में 2998 मरीज भर्ती होते हैं, 380 की मौत होती है। 2018 में 1279 मरीज भर्ती होते हैं, 125 की मौत होती है। और 2019 में 234 मरीज भर्ती होते हैं और मौत की संख्या 22 है। अक्सर देश में गाय के नाम पर लिंचिंग, गौरक्षा के नाम पर किसी की पिटाई की घटनाएं सामने आती रही हैं। लेकिन पीएम मोदी ने आज मथुरा से पूरे देशवासियों को गौ सेवा का संदेश दिया है।